हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2020 के बारे में। स्टूडेंट को जिस खबर का इंतज़ार था वो फाइनली यूजीसी ने जारी कर दी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, विश्वविद्यालय परीक्षा जुलाई में स्काइप से प्रैक्टिकल। ये देखिए, मैंने आपको एक पेपर का कटिंग दिखा दिया है और इसके बाद में हम सीधा ले चलते हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने सारे विश्वविद्यालयों के लिए जो आदेश जारी किया है, जो नया कैलेंडर जारी किया है। पहले इसमें देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वविद्यालय में परीक्षा के लिए यूजीसी द्वारा तैयार किया दिशा निर्देश जारी किया है। अब इंटरमीडिएट की सेमेस्टर परीक्षा नहीं होगी, पिछले प्रदर्शन के आधार पर और आंतरिक मूल्यांकन के ग्रेड के आधार पर अंक मिलेंगे। आखिर सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी। यदि हालत सामान्य नहीं हुए तो आंतरिक मूल्यांकन और सेमेस्टर 50-50 वेटेज के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब मैं दिखा देता हूँ जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है सारे विश्वविद्यालय के लिए, और साफ कह दिया है कि जुलाई में परीक्षाएँ आपकी होने वाली हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, यूजीसी क्या नया नोटिफिकेशन। यूजीसी गाइडनेस ऑन एग्जामिनेशन एंड अकेडमिक में कैलेंडर फॉर यूनिवर्सिटी इन व्यू आर कोविड-19 पेंडेमिक एंड सबसिक्वेंस लॉकडाउन। तो ये देखिए, फाइनली पब्लिश कर दिया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। ये देखिए टेबल है, और सीधा हम आपको ले चलते हैं एकेडमिक कैलेंडर पर। तो ये देखिए, पूरा आपको अगर पढ़ना है कि कौन कौन से नए नियम बनाए गए हैं इस सत्र में, इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए और नए सत्र को समय से शुरू करने के लिए, तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने ये पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा। तो ये देखिए, और रिगार्डनेस थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे और आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा एकेडमिक कैलेंडर का। ये देखिए एकेडमिक कैलेंडर का, ये एकेडमिक कैलेंडर इसी साल का है। ये देखिए, जो पैंडेमिक कोविड-19 के तहत तो परीक्षाएं स्थगित की जा हो गई थी या जिनकी भी स्टार्ट भी ना हुई थी, उनकी परीक्षाएं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने कह दिया है कि अब जुलाई में होंगी। तो ये देखिए, स्टार्ट हुए था 1/1/2020 को। और ये देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और उसके बाद में देखिए पूरा दिया गया है कि कब से कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, कब समर वोकेशन होगा, कब एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और ये देखिए, और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये नए साल के लिए है, 2021 के लिए, कि आपका एडमिशन प्रोसेस 1/8 को शुरू होगा और 11/8 तक चलेगा, यानी 1 सितंबर से शुरू होगा। और उसके बाद में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का कमेंसमेंट ऑफ क्लास होगा 1/8 से शुरू, और फ्रेश स्टूडेंट का 1/9 से शुरू हो जाएगा। कंडक्ट एग्जामिनेशन होगा 1/1/2021 को आपको होगा। ये नए सत्र को समय से रखने के लिए किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट लगातार कमेंट करते हैं कि ये आप कटिंग दिखा देते हैं, कटिंग नहीं, ये आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए और यही लिंक आपको मिल जाएगा जो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। तो फाइनली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब आपकी परीक्षा जुलाई में कंडक्ट कराई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये वीडियो आप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जुलाई में परीक्षा कंडक्ट करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, अपनी राय जरूर दें। स्क्रीन पर आपको चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।